नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स फर्स्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। न्यू सिलेबस आपने देखा होगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका जो सेकेंड चैप्टर है वह है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज मैं लिमिट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं। यदि आप चाहते हैं कि लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्या कंसेप्ट होते हैं, कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ वीडियो पूरा देख लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन लिखा दिख रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और कौन से कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। तो यहां पर इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं। आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इस तरह के लिए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बोल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं वो यहां पर लिख रहा हूं, उनको आप नोट कर लें और याद कर लें। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, हमेशा देखना कुछ यहाँ ऐसा लिखा रहता है स्मॉल एल और एम लिखा रहता है और नीचे लिखा रहेगा थीटा और एरो देखे जीरो, और यदि यहां पर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, तो ऐसी अगर सेम वैल्यू मिल जाती है, मतलब जैसे यहां पर देखा थीटा, थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो की जगह जीरो होगा, और यहां पर जो देखा साइन थीटा तो थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर जीरो यहां पर पुट कर देंगे तो जीरो होगा और इसकी जो वैल्यू निकलती कितनी निकलती है जीरो। क्या समझ में आया कि लिमिट्स ऐसा हमें कहीं लिखा मिलता है तो उसकी हम क्या लिख देंगे जीरो। अब कैसे लिखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ऐसा अगर लिखा हुआ है लिमिट थीटा जीरो और यहां पर क्या लिखा है कॉस थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाता वन हो जाता है, जैसा कि मैं टेबल यहां पर रखे हूं देख रहा हूं। थर्ड फॉर्मूला हमें याद रखना है कौन सा, लिमिट की जगह लिमिट ही रहेगा और थीटा यहां पर रहेगा और जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन थीटा, क्या है टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है जीरो। तो पहले तीन फॉर्मूला हमें याद करके रखना है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से एकदम रट लेना है। जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मूला यहां पर मैं लिख रहा हूं फोर्थ नंबर का, तो ये जो फॉर्मूला होता है नीचे लिमिट ही होती, क्या नीचे ऐसी लिमिट एल आई एम ई रहता है और थीटा ऐसा रहता है जीरो, और जो अगर ऐसा लिखा आता कैसा साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका मतलब होता जो यहां पर एंगल दिया हुआ वही सेम एंगल यहां पर होना चाहिए जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है वन, कितनी होती है वन। सेम अगर हम फिफ्थ फॉर्मूला देखें तो लिमिट की जगह लिमिट हो जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें तो साइन थीटा का हो गया, अब देखते हैं ऐसा टेन क्या होता है टेन थीटा या फिर एक्स भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो टेन थीटा यहां पर थीटा रख दें और नीचे भी क्या होना चाहिए हमारा थीटा ही होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन होती है, कितनी होती है वन। तो आज मैं जिस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूं उसमें ये पांचों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, फॉर्मूले कह सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स बोल सकते हैं, तो हमें ये याद भी रखना है। अब इनके कंसेप्ट कैसे यूज होंगे ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा सॉल्यूशन लिख लेना है। और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है एल आई एम स्मॉल में एल लिखा रहता है और नीचे क्या दिया हुआ है एक्स जीरो दिया हुआ है, ऐसा एरो लगा हुआ है। आगे जो वैल्यू दिया हुआ दिए साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है। अब इस तरह का मुझे लिमिट से हमें याद होना चाहिए इंपॉर्टेंस लिमिट्स में, यहां पर दिख रहा है यहां पर लिमिट्स मिल रही कि लिमिट थीटा जीरो साइन थीटा बटे थीटा इक्वल टू वन होता, लेकिन इसको यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर जो एंगल किया दिया 5x और नीचे x है, क्या है 5x और नीचे क्या है x है, जबकि ये लिमिट्स क्या कहती है कि जो एंगल यहां पर है, जो एंगल यहां पर है वही सेम एंगल कहां होना चाहिए यहां होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इस लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम की सेम लिमिट्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहां इक्वल लिख दें और लिमिट की जगह लिमिट लिख दें और जैसा यहां नीचे लिखा है एक्स जीरो लिख दें। अब यहां साइन जो लिखा हुआ है ऐसा
साइन 5x, इसको ऐसा लिख दें। अब अगर हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर देखो, अगर हम x जो यहां पर लिखा हुआ है इसमें अगर 5x बनाना है तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मली, ये अभी 5x 5x हो गया, लेकिन ये जो 5 मैंने मल्टीप्लाई किया इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अब इसकी वैल्यू को मैं सेटिस्फाई करने के लिए, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 5 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि जब इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे सेम ए वाली इक्वेशन आएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, 5 का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अब हम देखेंगे, अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से 5 अगर काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, साइन 5x अपॉन x। तो इस तरह हमें क्या करना पड़ता है, जो भी इक्वेशन यहां पर दी उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है जब हम इस तरह बना सकते हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना, लिमिट थीटा 0, x की जगह थीटा लगा लेते हैं, साइन थीटा बटे थीटा, मतलब ये पूरा 5x थीटा मान लेते हैं, नीचे भी थीटा क्योंकि सेम वैल्यू हो गई, इनटू 5 है। तो जो ये लिमिट्स है ये जो मैंने देखा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इनटू 5 इसका इनटू कितना हो गया आंसर 5, और यही हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया। चलते हैं इस तरह का और भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पिछले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारा जैसा भी कंसेप्ट रहता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना, सॉल्यूशन लिख देना, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना, जो क्वेश्चन है उसको उतार देना, उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना। तो हम यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, और हमें क्या करना है, जो लिमिट लिखा हुआ है उसको लिखना है, एक्स जो नीचे लिमिट दी है उसको लिखना है, और 1 माइनस क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इक्वल में क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका हूं कि कॉस एक्स टेन एक्स साइन एक्स जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, आपको जहां भी दिखे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां पर फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू हम जानते हैं, यहां पर क्या है, कॉस एक्स इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला आप अच्छे से लिख दें वहां पर, क्योंकि जो कॉस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू लिख देता हूं क्योंकि थीटा के रूप में या ए के रूप में हम पढ़ते हैं, इक्वल टू होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब यहां पर थीटा की जगह सब क्या है, एक्स है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स 0 क्या होता, 1 माइनस कॉस एक्स वटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट की जगह लिमिट रहेगा एक्स और 0 रहेगा। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और जो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स दी हैं उनके जैसा बनाना है, जिससे मैं ये जो डायरेक्ट वैल्यू दी है उनको पुट कर सके, मतलब डायरेक्ट रख सके, तो वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 की जगह देखो जो 1 है इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करना, 1 की जगह 1 रख देना, माइनस की जगह माइनस रख देना, फिर जो अंदर है उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस एक्स की जगह रखना, कॉस थीटा है तो थीटा की जगह हम एक्स रखते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 2 की जगह 2 रहेगा और साइन रहेगा स्क्वायर रहेगा, थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे बटे 2 लिख देंगे, और इसको हम इधर से बंद कर देंगे, और नीचे जो बटे में वैल्यू है उसको जैसा का तैसा रख देंगे, क्या रखा है, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई में हमें ऊपर कुछ दिख रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, लिमिट 0 1 की जगह तो 1 रहने दें माइनस, इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 की जगह 1 ही आएगा, और जो माइनस है यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहां पर दिख रहा है ये प्लस वाला 1 है, ये माइनस वाले एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास जो आगे जो वैल्यू बचेगी वह लिमिट की जगह लिमिट लिख दें एक्स लिमिट 0, और जो बचा हुआ क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 और क्या बचा हुआ नीचे, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 मतलब स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर वाले फॉर्मूले नहीं है, इधर एक्स वाई 2 है, नीचे भी एक्स वाई 2 नहीं, तो सबसे पहले तो हमें इधर की जो वैल्यू है वह सेम करनी होगी, और जो साइन
जो इधर की वैल्यू आएगी वही जो यहाँ पर थीटा रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखा थीटा बटे थीटा, तो वही थीटा नीचे आ जाएगा सेम, तो हम बड़े आसानी से फॉर्मूला लगा पाए। तो कैसे करना है हमें देख लें। देखो जो टू क्या है, कॉन्स्टेंट टाइप का होता है, तो टू से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा लिमिट लिख लें आप अच्छे से, और एक्स लिमिट जीरो कर लें और टू बाहर साइड से लिख लें, ऐसा मल्टीप्लाई लगा लें। अब यहां पर जो वैल्यू है उसको भी जैसा का तैसा लिख लें, क्योंकि हमें नीचे वाली वैल्यू में परिवर्तन करना है, एक्स वाई टू बटे नीचे परिवर्तन करना है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या लाना है टू लाना, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यहां पर जो स्क्वायर है तो नीचे भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, टू लाना है तो हम टू का ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन टू का क्या कर देंगे हम यहां पर स्क्वायर कर देंगे, वो तो मल्टीप्लाई भी टू का क्या हो जाएगा यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि टू स्क्वायर से टू स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी सेम इक्वेशन बनेगी जो यहां पर रखी। क्या समझ में आया, यहां पर हमें एक्स बाई टू करना था, लेकिन यहां ऑलरेडी पर से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है नीचे भी हमें एक्स स्क्वायर जैसी वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो हमने क्या किया जो यहाँ टू है तो नीचे टू का ही डिवाइड किया इस एक्स में, जिससे हमारी एक्स बाई टू जैसी यहां पर एक्स बाई टू हो जाए, लेकिन यहाँ स्क्वायर चढ़ा था ऑलरेडी, तो हमने टू का भी स्क्वायर चढ़ा दिया, और टू का स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने उतना ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आप देखेंगे टू स्क्वायर को यहाँ टू स्क्वायर से कैंसिल किया जा, इस टू स्क्वायर को इस टू स्क्वायर से अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारी वही इक्वेशन आएगी जो यहाँ पर रखी हुई है, इस तरह इसको सेटिस्फाई करना बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, पूरी लिमिट की जगह लिमिट लगाएं हमें, जब तक कि जो फॉर्मूला बन ना जाए जब तक इसको सॉल्व करते रहना, टू की जगह टू रख दें मल्टीप्लाई कर दें, ये टू तो हट गया सॉरी ये दो ये टू काट दें, क्योंकि टू ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं, ए वाला टू यहां पर लिख चुका हूं, तो ये गलती से लिख गया था, आप भी काट। अब यहां पर देख रहे हैं जिसको हम अगर स्क्वायर बनाना चाहें, ऐसा अगर हम लिख दें तो गलत नहीं होगा, कैसा लिखते हैं साइन एक्स वाई टू बटे में इसको क्या लिख दें एक्स वाई टू पूरे का ऐसा हॉल स्क्वायर चढ़ा दें, तो भी मेरे हिसाब से क्या कोई भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा ऐसा। और यहां पर हम क्या लिख देंगे ऐसा मल्टीप्लाई करके वन बटे, इसका मतलब ये वन बटे टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, और इसका मतलब होता है हम साइड में लिख सकते हैं वन बटे फोर। उम्मीद है इतना समझ में आ गया, हमने सिर्फ क्या किया इसमें भी पूरा स्क्वायर चढ़ा हुआ, नीचे वाली दोनों में स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो वाला स्क्वायर कर सकते हैं कर दिया। अब यहां पर हम देखेंगे साइन एक्स बाई टू, नीचे क्या है एक्स बाई टू, मतलब यहां का जो एंगल है उस सेम एंगल यहां पर आ गया। अब हम इस पूरी वैल्यू की जगह ऐसा लिमिट एक्स जीरो इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और भी आगे इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर और भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो टू है इस टू को आप थोड़ा बाहर ले लें, कैसा ऐसा बाहर ले लें, फिर हमारे पास इनटू लगा दें, फिर हमारे पास क्या बचेगा लिमिट बचेगा, एक्स जीरो बचेगी, और क्या बचेगा हमारा आगे साइन एक्स वाई टू बटे एक्स वाई टू, इसका पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू वन बाय फोर। अब हम देख सकते हैं यहां पर कि जो साइन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू यहां पर है लिमिट जीरो, तो ये जो फॉर्मूला इसमें आसानी से लग जाएगा कौन सा ए वाला, क्योंकि ऊपर थीटा नीचे थीटा हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू की जगह ए वाला टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहां पर पूरा क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा वन बाय फोर आ जाएगा, तो यहां पर ये दो है ये दो से चार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वन बाई टू, तो मैं जैसा देख रहा हूं वन बाई टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पर, देखो तो स्क्वायर चढ़ाना है लेकिन वन का स्क्वायर बनी होता है इसलिए मैंने रखा नहीं, क्या होता है साइन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू दिख रहा है, इस लिमिट्स को अंदर भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और नहीं कर रहे तो ये भी सही बात है, तो यहां पर क्या है स्क्वायर चढ़ा इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे वन लिखेंगे तो वो भी सही, क्योंकि वन का स्क्वायर बनी होता है, आंसर ए वन बाई टू आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं जिससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, थीटा की लिमिट दी है पाई बाई टू और आगे दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपन वन माइनस साइन थीटा, तो यहां पर हम देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू क्या जीरो, मतलब यहां दिया रहता था तो ये फॉर्मूले सारे अप्लाई हो सकते, लेकिन जब जीरो नहीं दिया है लिमिट के और लिमिट मतलब कुछ और दिए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी कंसेप्ट आप ध्यान से समझें। तो यहां सबसे पहले जैसा कि हर बार करते हैं हम क्या करना है सॉल्यूशन लिख लेना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे आगे की प्रोसीजर में उसको सॉल्व करेंगे, तो हमने लिखा यहां पर क्या लिखा सॉल्यूशन,
जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको यहां पर उतार लेना है। लिमिट क्या दी है, थीटा से पाई बाई टू, और दिया है यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते जो भी इक्वेशन दी। अगर साइन कॉस थीटा जब भी मैं सॉल्व करवाता हूं आपको बताता हूं, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोग जानते होंगे। नीचे जैसा कहा था लिखते हैं वन माइनस साइन थीटा, और उम्मीद है कोशिश करें ऐसा ब्रैकेट में लिख के आए, नीचे लिख के आए, क्योंकि क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख के आए जब भी सॉल्व करें, उससे आपको पता, उसको मैं चेक करने वाले पता रहे कि इसने ये फॉर्मूला लगाया यहां पर। तो अब आगे क्या लिखें, अब इसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहां पर क्या लिखेंगे वन माइनस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा। अब ये भी फॉर्मूला होता तो ये भी लिखें यहां पर, चूंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, एक में क्या होता है वन प्लस साइन थीटा। इस साइड में भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो, ये आप सॉल्व कर रहे हैं। तो हम अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए अब यहां पर क्या है वन माइनस क्या है साइन थीटा, ऊपर क्या है वन माइनस साइन थीटा, तो एक दूसरे से सेम के सेम कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारे पास बचेगा वो लिखें। अब यहां पर मैं कुछ भूल गया तो उसको आप याद रखें, लगाना भूल गया, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे लिमिट, और जो थीटा क्या है पाई वाई, तो इसको लगाना नहीं भूलें। चलो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं, आपको यहां भी इसको लिखना है याद रख के, यहां भी लिखना है, ऐसा लिख के लिखना है, हमेशा याद रखना है लिमिट जो क्या दिया थीटा से पाई बाई टू, कहां लिखना है यहां पर भी लिखना है, इस इक्वेशन से पहले और इस इक्वेशन से पहले भी लिखना है, ठीक है। तो आप लिख देंगे, उम्मीद है मुझे विश्वास है इसको ये ना समझेंगे कि सर भूल गए, तो आप भी भूल जाएंगे, या फिर आप इसको ऐसा कमेंट कर देंगे कि सर आपने गलत सॉल्व किया, गलत सही सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ आपको लिमिट लिखना भूल गया, तो आप यहां पर लिख दें जैसा मैं यहां पर लिख रहा हूं। हमारे पास यहां पर क्या बचा हुआ, इससे ये कट गया, हमारे पास बचा हुआ है ए ऊपर, क्या बचा हुआ है ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा। अब ये सिंप्लीफाई हो गई है, सिंप्लीफाई इस तरह हो गई है कि यहां पर नॉर्मल साइन थीटा बचा हुआ है। ये जो लिमिट का मतलब होता है, जो थीटा एरो बना हुआ पाई बाई टू, मतलब थीटा की जगह हम पाई बाई टू रिप्लेस कर सकते हैं जब भी हम लिमिट को हटा देंगे। इस लिमिट को हटाएंगे तो थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे पाई बाई टू। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो लिमिट को हटा रहे हैं, तो बन की बन से कोई मतलब नहीं होता, वो कॉन्स्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहां पर जो थीटा की जगह सिर्फ रिप्लेस करना होता है, तो बन की जगह बन रख दें और साइन की जगह साइन लिख दें, हमें रिप्लेस करना है क्या थीटा की जगह पाई बाई टू, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे पाई बाई। अब आगे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, वन प्लस क्या कर देंगे, ये हम जानते हैं पाई क्या होता है साइन पाई बाई टू इक्वल टू कितना होता है साइन 90 डिग्री, आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि पाई 180 होता है, दो को भाग दे देंगे 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 डिग्री क्या होता है साइन 90 डिग्री इक्वल टू, जो टेबल दी है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दी है उसमें आपने देखा होगा क्या होता है साइन 90 इक्वल टू वन होता है, देख लें अच्छे से। तो साइन पाई बाई टू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टू आएगा, तो इस तरह टू क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं टू आंसर आया हुआ है इसका। तो उम्मीद है इस तरह की जो क्वेश्चन आज मैंने समझाया समझ में आए होंगे, और लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा अलग अलग तरह से, उम्मीद है सभी वीडियो आप देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।